न्यूज़, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे आप सब लोग पता है कि मैं एक और क्रिकेटर से इंटरव्यू करने वाला हूँ। जितने प्रीवियस क्रिकेटर्स के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने राणा नवीद के साथ भी इंटरव्यू किया। आज मेरे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, द वन एंड ओनली मंजूर इलाही। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ, आप सुने, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। तो चलिए आइए अब हम मंजूर भाई के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। अब उनकी बैटिंग स्टैट्स में बात करते हैं। 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 10 इनिंग्स, 123 रन्स और 150 का हाईएस्ट स्कोर 52 का, और उनकी एवरेज है 15 की। अब उनकी ओडीआई की बात करें, 54 मैचेस हैं, 741 रन, हाईएस्ट स्कोर 50 का, एवरेज ऑफ 22। और उनकी अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो 194 मैचेस खेले हुए हैं, 294 इनिंग्स है, 8366 रन एंड 163 इनका हाईएस्ट स्कोर है, एवरेज 31 की, 10/100 और 46 50s। फिर अगर आप इनके लिस्ट ए करियर की बात करें, 184 मैचेस, 150 इनिंग्स, 2772 रन, हाईएस्ट स्कोर 86, एवरेज 22.90 और 950 हैं इनके। और चले आइए अब हम इनके बॉलिंग स्टैट्स में बात करते हैं। 6 टेस्ट मैच में से इन्होंने 7 विकेट ली हुई हैं, और इनके जो अगर ओडिया की बात की जाए तो 54 मैचेस में से इनकी 29 विकेट्स हैं। और इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में बात की जाए, 194 मैचेस में से 360 विकेट्स हैं, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 8/43 है। और इनकी जो भी फर्स्ट क्लास में जितनी परफॉर्मेंसेज हैं उनका 5 विकेट हॉल 15 मरतबा है और 10 विकेट हॉल 4 मरतबा है। और अगर इनके लिस्ट के करियर की बात की जाए तो 184 मैचेस हैं इनके, 145 विकेट है, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 5/18 और 8/5 विकेट हॉल है। मंजूर भाई, आप अपनी सक्सेस के बारे में बताइए, आप इस मुकाम पे कैसे पहुंचे और जब आप पाकिस्तान खेलने से पहले किस प्लेयर ने आपके टैलेंट को डिस्कवर किया था? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बात की है कैसे स्टार्ट किया। स्टार्ट तो मनकुमरी डिस्को फैक्ट्री साहिबाग से, सारी दुनिया जानती है, उन्हें बहुत प्रमोट किया बच्चों को, जिसमें मकार, मुश्ताक, इंजमाम, जौहरी लाई, सलीम लाई और भी हमारे साथी हैं जो कि वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट किए और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के लिए खेले हैं। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आके, क्योंकि बड़ी क्रिकेट थी साहिबाग से, तो यहाँ आके क्रिकेट खेली। उसमें अमन सुहेल, शाहिद सईद जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, जुवेद याद अभी कोच है माशाल्लाह, ये सब बच्चे दोस्त यार हम मिल के क्रिकेट खेलते थे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तान अंडर-19 टूर किया, वो भी परफॉर्मेंस थी कि मैंने 9th नंबर पे जाके मैं बैटिंग की और 125 या 15 रन किए, और उसमें नट आउट रहा है, उसकी वजह से बैटिंग ऑलराउंडर मतलब करवाना शुरू हो गया। पहला टूर मेरा पाकिस्तान अंडर-19 था, सलीम मलिक कैप्टन था। उसके बाद जहीराबाद साहब ने कैंप लगा हुआ था, कैंप में उसमें जहीराबाद साहब ने आए जब तो उन्होंने मैचेस वगैरह करवाए तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, तो जहीराबाद माई बार फर्स्ट कैप्टन, देन मियाँ दा, देन इमरान खान और लास्ट में सलीम मलिक 1985 लास्ट ओवर था। तो इस तरह एक छोटा सा कैरियर था जिसमें मतलब जो भी कोशिश हुई की है वो आपने सारे स्टैट्स बताए। अगर फर्स्ट क्लास में इतना कुछ कर सकता था मैचेस उसमें भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर चांस मिले तो बंदा उसमें ज़्यादा मेहनत करता था। तो प्रॉब्लम क्या आई है कि जब बड़ी क्रिकेट में आए तो वहाँ पे या छठे नंबर पर बैटिंग मिलती थी या 6 ओवर बाकी रहते थे, तो उसमें फिर मारदार वाला काम था, तो एक मतलब वो बन गया था कि जी ये फास्ट खेलने वाले हैं तो इसको वनडे नहीं ज़्यादा रखा जाए, तो इसलिए टेस्ट कैरियर में बहुत कम चांसेस मिले। तो ये छोटा सा सिस्टम था जो 10 साल में किया मैंने, तो रेगुलर में फर्स्ट क्लास खेलता रहा पाकिस्तान छोड़ टीम से रिटायर होने के बाद भी, रिटायर तो नहीं निकालने के बाद भी मैं कोई 95 के बाद 2002 तक फर्स्ट क्लास खेलता रहा, परफॉर्मेंस भी होती रही है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटा सा कैरियर था जो गुजारा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस कैरियर की वजह से बहुत अल्लाह ने नाम दिया, मुल्क को भी नाम मिला और हमें भी नाम मिला, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मंजूर भाई आपसे ये पूछना है कि इमरान खान की कैप्टनसी के अंडर आप खेले हुए हैं, अगर बात सच है तो इमरान खान कैसे थे एज ए कैप्टन? क्योंकि अमूमन जो एक्स क्रिकेटर्स भी थे वो ये कहते थे कि इमरान खान प्लेयर को चैंपियन प्लेयर बनाता था, तो उन्होंने कैसे आपको एक प्लेयर बनाया? नहीं, मैं ऑलरेडी पाकिस्तान खेल चुका था 84 में, तो हमने 85 में ज्वाइन किया, इमरान खान साहब अनफिट होने के बाद शारजा में उन्होंने जो है ज्वाइन किया टीम को, तो उन्होंने वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद वो कैप्टन भी आया तो उनके साथ भी खेलता रहा मैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो उनका एक ही मोटो था, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा,
और जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, जैसे को होता है कि स्लो ना खेलो, अपने अपनी 50 के लिए ना खेलो, 100 के लिए ना खेलो, मैच के लिए खेलो, मैच जीत गया सबकी इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत है। तो उनका अच्छा एक मोटो था कि आप गो फॉर गेम, जो भी काम कर रहे हैं मेहनत से करो और आप जीतने के लिए खेलो जी। अच्छा मंजूर भाई, एक और भी आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे अब हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट अब तेज होती जा रही है, क्रिकेट अब बहुत इनोवेटिव होती जा रही है, जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे और जैसे अब ये जो मॉडर्न डे क्रिकेटर आज के खेल रहे हैं, तो आज की जो क्रिकेट है पुरानी क्रिकेट में आपको क्या डिफरेंस नजर आया है? क्रिकेट तो वही है, बैट भी वही है, बॉल भी वही है, सिर्फ स्टैट चेंज हुए हैं कि 50 टेस्ट मैच से 50 ओवर में आए, 50 से 20 में आ गए, तो उसकी वजह से आपने शॉर्ट टर्म में इसको सबको क्लियर करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा कहूँगा ये दाव वाली गेम है, जिस बॉलर ने दो ओवर बुरे बॉल पे भी कर लिए उसकी वैल्यू हो गई, और किसी ने अच्छे बॉल में दो छक्के मार दिए उसकी वैल्यू हो गई है। तो ये तो सब आप समझेंगे जो क्रिकेट हो रही है ये एक कमर्शियल क्रिकेट है, असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद वनडे को टाइम मिलता है बॉलर को भी बैट्समैन को भी, अगर वो गलती की उसको सुधारने का टाइम मिलता है, इसमें ये टाइम नहीं मिलता, आपने गलती की है तो वो गलती है, दूसरी टीम मैच जीत जाती है। अच्छा एक और आपसे क्वेश्चन पूछना है कि अब जैसे आपको पता है कि अब हम जो जितने भी क्रिकेट हम देखते हैं, अमूमन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वैल्यू नहीं करते, और जैसे आप थे आपने 194 फर्स्ट क्लास मैचेस आपने खेले हुए हैं, आपने लिस्ट ए करियर भी आप खेले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी बंदा फर्स्ट क्लास खेलता है ना, और जब वो पाकिस्तान टीम में आता है तो उसको उसके समय प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उसकी मैच प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और असल क्रिकेट वही है, कम अज़ कम एक प्लेयर को 3 साल फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए, उसके बाद उसको मौका मिलना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि जैसे हम लोग जूनियर वर्क भी करते थे, तो उस जगह का माहौल, उस जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है, उसकी पिचेस का, वो सब आपको आइडिया मिल जाता है। तो जब आप नेशनल टीम के साथ जाते हैं वहाँ पर बड़ी टीम के साथ, तो आपको ये फील नहीं होता कि हमने जो नई क्रिकेट खेलने आए हैं या कोई वहाँ के माहौल का पता नहीं चला, तो देन यू कैन डू द बेस्ट परफॉर्मेंस। अच्छा एक और भी सवाल पूछना है, आप ऑलराउंडर भी रहे हैं। चले ऑलराउंडर रहे भी हैं, और अभी आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में हमने ग्रेट ऑलराउंडर देखे हैं, हार्दिक पांड्या है, एक टाइम पे अब्दुल रजाक भी होता था, तो जो ऑलराउंडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे ऑलराउंडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सके? वो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी बोथ वे, उसको ये नहीं है कि एक छक्का मार लिया आप बॉलर है, आप बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, एक बैट्समैन है उसने दो बॉल फेंक के गलती से कोई बैट्समैन आउट हो गया वो बैटिंग ऑलराउंडर हो गया, ये कोई ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर का मतलब है कि आप बैटिंग मिले तो आप बैट्समैन है, आप बॉलिंग मिले तो बॉलर, तो आपको मतलब उसको 100% देना चाहिए, बिल्कुल 100% देना चाहिए, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी चाहिए, जब आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो वो उसमें मौका नहीं मिलेगा। अच्छा आपसे ये पूछना है, कोई एडवाइस हमारे यंगस्टर्स को दीजिए, को जो आने वाले पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, जो बड़ी लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप क्या एडवाइस देंगे? मैं यही कहूँगा कि आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करें, ईमानदारी ये नहीं है कि अगर कोच ने कोई काम किया तो आप करें, आप उससे पहले बिफोर सीजन अपने आप को प्रोफेशनल पूरा आपने तैयारी करके आना चाहिए, जब आपकी सिलेक्शन हो तो आपको ये फील ना हो कि यार मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगा, अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी तो मेरा नहीं ख्याल आप फेल हो। और एक और भी बात करने को, चले हंसी मजाक हम शुगर मेला लगा, तो मैं तो हंसते ही रहता हूँ, मैं हंसने की वजह से टीम से भी बाहर हुआ हूँ, लेकिन वो मेंशन नहीं करूंगा, वो सीनियर की अपनी मर्जी होती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने वो चीज़ें नवाजी हैं जो सबके पास है, वो मेरे पास भी है। चले हम ऐसे वाकया बता दें हमें जरा पाकिस्तान, क्योंकि कुछ होती है ना जरा ऑफ द फील्ड स्टोरीज होती है, फनी स्टोरीज के मतलब क्रिकेटर होता है थोड़ा हंसी मजाक होता है, जरा जैसे मूड बनने का फ्रेश हो जाता है, जैसे चले हमारी भी कोई जरा ऐसे लगता है टीचर आया उसने क्लासरूम में आपको बात की है उसके बाद पता लगा जनाब बताइए, मजाक भी होते हैं सब कुछ होता है, मतलब जितने सीनियर क्रिकेटर्स थे हमारे साथ, इवन इमरान खान साहब, तो बड़ा अच्छा मतलब माहौल रहता था, मजाक करते थे बात करते थे, प्रॉब्लम ही नहीं था कोई किसी किस्म का। अभी आपको मैं क्लियर करूँ इमरान खान साहब की बात, मैंने एक दो दफ़ा उनसे सवाल भी कर दिया कि इमरान भाई आप बड़ा हमें तो बचपन में देखते थे आप बड़े गुस्से में ये वो, उन्होंने बड़े हैरान हो गए कि मंजूर ने क्या सवाल कर दिया। तो उसमें मैंने कहा कि हमें लगता था कि आप बड़ा गुस्से से बात करते हैं ये वो, कदा करता हूँ मैं, नहीं पहले भी नहीं करता था,
असल में होता क्या था कि जैसे एक उस्ताद है उसका अपने टीचर को कुछ बता रहा है तो वो उस वक्त सुन नहीं रहा, लेकिन जब उसको इम्तिहान का टाइम हुआ तो फेल हो रहा है ना, तो टीचर तो गुस्सा करेगा। तो इमरान खान की ये आदत थी कि अपने बच्चों को बढ़ा के रखते थे। इवन एक जगह मुझे उन्होंने कहा कि हमारे पास भी हमारा एक बोथम है और थ्रेशर मशीन की रन करता है, ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट दी है। जाहिर उनका प्लेयर था वो समझते थे, इसलिए वो चीजें और ज्यादा बढ़ा के करते थे कि मेरा प्लेयर जरा अपने आप को उठा के रखे। और एक बात उन्होंने करते थे कि छह चौके खा लो लेकिन सर उठा के चलो, छह छक्के खा लो लेकिन सर उठा के चलो, गिरे ना वो आप फिर भी कामयाब हो सकते हैं, फिर भी मेहनत करके आ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था हमारा। तो आपसे ये पूछना, जब आप अपने टाइम पे क्रिकेट खेलते थे तो आपको कौन सी जो इंटरनेशनल टीम होती थी जो सबसे टफेस्ट टीम होती थी और कौन सा टफेस्ट बॉलर लगता था फेस करना? आपने सवाल तो अच्छा कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि मार्शल को सीधे छक्के मारे हैं तो मुझे कैसे लगेगा मैं किसे करता हूँ। हमेशा ज़्यादा परफॉर्मेंस मेरी इंडिया खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होती थी। तो ये ज़रूर था कि अल्लाह का शुक्र जब टीम में जाता तो मैच ज़रूर खेलता था, क्योंकि मेरी इतनी एबिलिटी थी कि वो किसी मैच में खिलाना चाहे तो परफॉर्म जरूर करता था। थैंक यू वेरी मच मंजूर भाई, आपने हमें टाइम दिया। आपने आप बच्चों हमारे राइट है आप लोगों का, और इसी तरह हम अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। मैं भी टाइम दूंगे और टाइम दें और आपका भी हौसला अफजाई हो और इंटरनेशनल पे इसी लेवल पे भी आप काम करें तो हमें खुशी होगी। जी तो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर के वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।